स्मरण करते हुए स्तुति करने लगे। सभी देवी देवता भगवान का स्मरण करते।
स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान को प्रार्थना करने लगे, पुकारने लगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। इस प्रकार सभी देवी देवता ब्रह्मा समेत भगवान को जोर जोर स्मरण करते हो, और इस संसार का नियम है भक्तों, भगवान का वचन है कि जब जब इस संसार में भार बढ़ेगी तो उस भार की रक्षा करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भूति भारत भूतानां दस्पृशति परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान का वचन है कि जब जब इस संसार में क्या होता है, धर्म का हानि होता है, पाप बढ़ने लगता है, तो उस समय भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए, कटती हुई गायों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और आज भी वही, आज पृथ्वी को लेकर हिरण्याक्ष भागा है, ब्रह्मा की स्तुति किए और भगवान का ब्रह्मा जी के स्मरण को सुनकर भगवान स्मरण करते करते ब्रह्मा जी को एक छींक आई और छींक आते ही नाक से एक अंगुष्ठ जैसा छिद्र प्रकट हुआ। देखते ही देखते वह छिद्र बड़ा होने लगा, धीरे धीरे वह एक छोटे से पत्थर के समान बड़ा हुआ, धीरे धीरे देखते देखते एक घोड़े की तरह, देखते देखते एक हाथी की तरह, और देखते देखते वह बहुत बड़े पर्वत के समान, भयंकर पर्वत के समान। ब्रह्मा समेत सभी देवी देवता समझ गए कि भगवान वराह का अवतार है। धीरे धीरे भगवान वराह आकाश को छूने लगे, सभी देवी देवता समझ गए कि भगवान वराह देव प्रकट हो गए, और सभी लोग जोर जोर से कीर्तन करने लगे, क्या हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज ब्रह्मा जी के नाम से भगवान बड़ा प्रकट हो गए, अनेक कीर्ति मंत्रों से, अनेक दिव्य मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा जी समेत अनेक देवी देवता भगवान की स्तुति करते, और उस समय भगवान वराह गर्जना करने लगे। भगवान वराह की गर्जना से ये तीनों लोग कांपने लगा, कांपने लगा, और उस समय भगवान वराह जैसे ही अपनी पूंछ पकड़कर आकाश में उछले, भगवान वराह के गर्दन के बाल से आकाश के बादल तृप्त, भगवान अपनी पूंछ पकड़कर आकाश में कूद गए, और आकाश में कूदते ही भगवान के बाल से इस संसार के बादल तितर बितर हो गए। भगवान वराह के गर्दन के बाल एकदम कड़क, भगवान वराह का शरीर कठोर, चमड़ी के बाल कड़क, सफेद दांत, आंखों से करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश हो रहा है, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश हो रहा है, वज्रमयी पर्वत के समान भगवान वराह का दिव्य शरीर। और उस समय भगवान वराह अपनी पत्नी वसुंधरा की उद्धार करने के लिए जैसे ही आकाश में उछले और समुद्र में कूदे, ये समुद्र दो भागों में बट गए, आकाश को छूने लगा,
बड़ा सर्वप्रथम भगवान द्वारा अपनी पत्नी वसुंधरा का उद्धार करने के लिए रसातल में गए, और रसातल में जहां पर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रखा था, वहां से हिरण्याक्ष से अपनी पत्नी वसुंधरा को लेकर इस पृथ्वी को लेकर के आए और इसके स्थान पर अपने पत्नी को उनके स्थान पर स्थापित किया। और उधर हिरण्याक्ष को पता चल गया कि भगवान वराह का अवतार हो गया। हिरण्याक्ष अपने हाथ में गदा लेकर के भगवान से युद्ध करने के लिए गण रण रण पट पर गरड़ पड़ घुम रंग पर सुंदर श्याम बजे हर मन हर मटक लटक लट चटक लटक सिर सब श्री बराह और हिरण्याक्ष के बीच में घमासान युद्ध। इतिहास की प्रथम घटना हिरण्याक्ष के प्रहार करने से भगवान वराहदेव के हाथ से गदा छूट गई, और गदा छूटते ही हिरण्याक्ष का बल दुगना हो गया कि मैं तो भगवान को हरा दूं। घमासान युद्ध, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत भयंकर तरीके से लड़ रहे। भगवान द्वारा अपनी आज दिव्य लीला दिखा रहे और हिरण्याक्ष ऊपर क्रमासान प्रहार कर युद्ध करते करते दोनों के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ गया। सभी देवी देवता आकाश से प्रकट हो गए इस युद्ध को देखने, और उस समय युद्ध करते करते भगवान ने सोच लिया कि अब इस हिरण्याक्ष का वध करूं। ऋषि मुनियों की यज्ञ की रक्षा करने के लिए, ऋषि मुनियों को रक्षा करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए भगवान वराह ने हिरण्याक्ष के ऊपर भयंकर युद्ध छिड़ा है। दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर घमासान युद्ध, और जैसे ही भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने का निश्चय कर लिया कि अब इसको मार दूंगा, उसी समय स्वर्ग लोक में अप्सराओं की नृत्य बंद हो गई। साधुओं के मन में आनंद होने लगा। दिति के हृदय से खून चूने लगा, और उसी समय भगवान वराह ने अपने दिव्य हाथ का एक प्रहार हिरण्याक्ष के ऊपर किया, और हिरण्याक्ष के मुख से खून की उल्टी हो गई और हिरण्याक्ष का वध हुआ, और सभी देवी देवता मिलकर भगवान का जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए भगवान वराह देव की जय, भगवान वराह देव की जय, भगवान वराह देव की। और दिव्य मंत्र से भगवान की आरती करने लगे, स्तुति करने लगे। क्या वशति दशन शिखरे धरणी तव लगना शशि निकलंक कले वनि माता केशव द्वीता
धर्मशाला गांव में भागवत के माध्यम से भगवान श्री वराह देव का प्रकट हुआ। आप लोग भी सभी भक्त लोग मिल करके भगवान श्री वराह देव का स्तुति करें। अरे भगवान ने अपनी पत्नी देवी वसुंधरा देवी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उतार लिया, ब्रह्मा जी को शांति देने के लिए उद्धार किया, सृष्टि करने के लिए संसार की सृष्टि करने के लिए अवतार लिया। ऐसे भगवान वराह जय जयकार कर केशव सीता शूकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बोलिए भगवान वराह देव की जय। हम लोग अंतिम में भगवान वराह देव की आरती करेंगे, भागवत जी की जब आरती होगी तो वराह देव जी की भी आरती उसी समय हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए, पृथ्वी को अपने स्थान पर रखा और पृथ्वी को अपने स्थान पर रखने के बाद भगवान वराह देव अपने स्थान पर चले गए, वैकुंठ चले गए और फिर मनुष्य रूपा इस संसार में आए और क्या किया, सृष्टि प्रारंभ की, सृष्टि चालू हुई। अब सृष्टि क्यों चालू हुई, हाँ सृष्टि क्यों चालू हुई, शराब पीने के लिए है ना प्रभु जी, यही तो सृष्टि है, वास्तव सृष्टि यही है। और डीजे बजाने के लिए, राइट क्या इसके लिए सृष्टि हुई है। और प्रभु जी आप जानते नहीं कल तो वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे मनाने के लिए है ना, क्या इसके लिए भगवान ने सृष्टि करी, बताइए। भगवान ने सृष्टि क्यों की, ताकि संसार के लोग भगवान से प्रेम करें। देखिए क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं इसलिए भगवान से दूर है, लेकिन भगवान ने सृष्टि की रचना की कि हम भगवान के सम्मुख होवे और भगवान से प्रेम करें और हम फिर भगवान के धाम जो हमारा वास्तविक घर है, हमारा वास्तविक घर क्या है, सतशाला हमारा वास्तविक घर है। अब बताइए मुझे आज से जो 50 साल पहले जो व्यक्ति यहाँ पे थे क्या वह आज इस सतशाला में मौजूद हैं, बताइए। और आज ठीक 50 साल के बाद क्या कुछ लोग तो रहेंगे जो छोटे मोटे बच्चे लोग हैं, लेकिन क्या हम लोग रहेंगे, विचार करिए, थोड़ा विचार करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, व्हाई वी आर हियर, हम लोग यहाँ क्यों आए, फिर हमारा वास्तविक घर कहाँ है, हमारा जाने कहाँ है। हम लोग कहते हैं ना माथे में दर्द होता है तो हमारा माथा में दर्द हो रहा है, मेरा माथा में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द बोले तो मेरे हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है तो पेट में दर्द है, सीना में दर्द है तो सीने में दर्द है, बोलते ना मेरा सीना में दर्द है, मेरा पेट में दर्द है, मेरा पांव में दर्द है, तो वो मेरा है कौन, कौन है वो मेरा, कौन है वो मेरा, बताइए कौन है वो मेरा, हाँ कौन है, शरीर है। क्या 10 साल पहले आपका यही शरीर था, फिर वो शरीर कहाँ चला गया, अगर आप शरीर थे तो फिर वो शरीर कहाँ गया आपका, बताइए।
हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। कौन है? आत्मा है जो हम धारण किए हुए। हम बोलते तो हैं लेकिन हमारी मति आज कलयुग में इतनी भ्रष्ट हो गए कि हम अपने आप को पहचान ही नहीं रहे। हम क्या पहचान करते हो? जानते नहीं मैं इतना बड़ा इंजीनियर, जानते नहीं मैं डॉक्टर हूं। जनरली यही बोलते हैं ना, करोड़ों रुपए हैं मेरे पास, लेकिन ध्यान रखिए चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, ध्यान रखना कफन में जेब बहुत बड़ा बड़ा होती होता है क्या? नहीं होता। कोई लेकर के नहीं जाने वाला। सिकंदर, सिकंदर पूरे सम्राट का मालिक, पूरे पूरे ब्रह्मांड पृथ्वी का मालिक, मरते वक्त बोला अपने अनुचरों को मेरे हाथ ऐसे ही खुले छोड़ देना। क्यों? ताकि लोगों को पता चले ये सिकंदर, ये अलेक्जेंडर जो पूरी पृथ्वी को अपने कंट्रोल में रखता है, पूरे धन का मालिक है, आज मरते वक्त एक कॉइन भी लेके नहीं जा रहा है ना। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रभु जी डॉक्टर बनना, राइट? इंजीनियर बनना, क्या है लक्ष्य? कौन बता सकता है? हरी बोल, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। क्या मजाक कर रहे हैं आप? मजाक भगवान होते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं। जीवन का लक्ष्य है डॉक्टर बनना, डीजे बजाना, शराब पीना, यही है? नहीं, जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। वो कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, या कोई माताजी हो, कोई भी हो, क्या है जीवन का लक्ष्य? भगवत प्राप्ति। अगर भगवत प्राप्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर वो, अभी हमने कुछ लोगों को वहां से भगाया था ना, उसमें और हमें क्या है? कोई अंतर नहीं है। क्या हमें और आप उनमें अंतर है बताइए? वही चीज वो भी कर रहे हैं, वही चीज हम कर रहे हैं, यही चार चीज। क्या 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 कर रहे हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीज वो भी कर रहे हैं और हम भी वही कर रहे हैं। वो कुत्ते भी खाना खा रहे थे, खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं। थोड़ा गंदा कंपैरिजन है, क्षमा चाहूंगा, लेकिन थोड़ा मेरी बोली कड़वी है, मैं बोलता हूँ ऐसा। सच सच क्यों? क्योंकि मेरा कर्तव्य है। आज प्रभु जी ने ये अधिकार दिया है कि यहाँ पर बोलूं, तो मेरा कर्तव्य है कि आप सभी को कम से कम इतना तो ज्ञान हो कि हम हैं कौन, हम लोग हैं यहाँ। हम में और उनमें कोई अंतर नहीं था। वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, वह भी सोते हैं और हम भी सोते हैं। तब मन में प्रश्न होगा, प्रभु जी वो लोग नीचे सोता है, हम लोग डनलॉप के गद्दे पर सोते हैं। कभी कुत्ते को नहीं देखा है? वो हमसे भी महंगे गद्दे पे सोते हैं। देखा है सर वाले कुत्तों को? आहार, निद्रा, भय, वह भी अपना प्रोटेक्शन करते हैं, हम भी प्रोटेक्शन करते हैं। और मैथुन, वो भी सृष्टि संतान उत्पत्ति करते हैं, हम भी संतान उत्पत्ति करते हैं। हम तो एक दो कर सकते हैं, वो दस बारह कर लेते हैं, है ना? तो यही चार कार्य करने के लिए क्या सामान है? क्या क्या नहीं प्रभु जी, हम लोग डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर बनते क्यों हैं? यही चार कार्य करने के लिए। अगर डॉक्टर नहीं बनोगे बेटा भूखे मर जाओगे, इंजीनियर नहीं बनोगे तो भूखे मर जाओगे, यही बताते हैं ना। सुंदर लड़की से विवाह नहीं होगा। अरे तुम अमेरिका नहीं जा पाओगे, फ्लैट नहीं खरीद पाओगे। ध्यान रखिए ये सत्य है कि हमारा, जैसे प्रभु जी ने बताया कि हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, ना कि डॉक्टर और इंजीनियर प्राप्ति। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई नहीं करो, मैंने खुद पढ़ा है, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, है ना? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं पढ़ाई करनी है, कमाना नहीं है, खाना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। कमाना है, खाना है, लेकिन ये क्या है? साइड है। और मेन लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान प्राप्ति। कृपया एक दो जन इधर खड़ा रहिए, और जो लोग आवे ना, अब कुछ देर का समय है, है ना? अगर हल्ला होगा तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, ध्यान रखिए थोड़ा। तो हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति करना। वैलेंटाइन डे मनाना हमारा लक्ष्य नहीं है। 14 फरवरी आ गया, अगर मनाना ही है ना तो किसके साथ मना मालूम है? किसके साथ? अच्छा, गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं नहीं, वास्तव में नहीं। अच्छा, वैलेंटाइन का अर्थ जानते हैं क्या आप लोग? वैलेंटाइन का अर्थ क्या है? क्या है वैलेंटाइन का अर्थ? क्या अर्थ है? प्रेम,
है ना, प्रेमी अपने स्नेही से मिलना है ना, स्नेही जो है हमारा प्रेमी जो है प्रेमी प्रेमिका से, प्रेमिका प्रेमी से मिल 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 हरे कृष्ण। तो वैलेंटाइन के अर्थ पे चर्चा हो रहा है। वैलेंटाइन का रियल अर्थ क्या है मालूम है? प्रेमी से मिलना है ना। अब हमारा वास्तविक प्रेमी कौन है बताइए। हाँ प्रभु जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। भगवान ही हमारा, तंबाकू भी निकल रहा है, हमारा वास्तविक प्रेमी तंबाकू भी हो सकता है, ध्यान रखना है, और चाय भी हो सकता है। तो देखिए शास्त्र में बताया गया कि भाई हमारा वास्तविक प्रेमी कौन है। वास्तविक प्रेमी किसे कहते हैं जानते हैं? पति को पत्नी, पति को सॉरी पत्नी को पति, यही नहीं, दो दिन पहले होता है तुम चंद्रमुखी लग रही हो और शादी के दो साल के बाद तुम ज्वालामुखी लग रही हो, ऐसी स्थिति होती है हम सबके साथ। आप सभी लोगों का एक्सपीरियंस है, अभी बच्चे लोगों को नहीं पता होगा लेकिन ऐसी स्थिति होती है। तो जिनको नहीं पता है उन्हीं को चंद्रमुखी बाद में, अब ज्वालामुखी या जो भी बोलिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आप लोगों के गांव वाले देखिए, प्रेम का अर्थ बहुत सुंदर शास्त्रों में बताया गया, क्या मालूम है? दर्शने, क्या बोला गया? दर्शने, स्पर्शने, वाणी श्रवणे और भाषणे अपि वा यत्र द्रतांग सस्नेही इति कथ्यते। अब देखिए कितना सुंदर कहा गया, जिनके दर्शन करने से, जिनके विषय में सुनने से, है ना, जिनको स्पर्श करने से और जिनके विषय में बोलने से सुख मिलती हो, शांति मिलती हो, वह कौन है? हमारा वैलेंटाइन, हमारा प्रेम। बोलेंगे प्रभु जी हमें भी अपनी पत्नी के विषय में बात करने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन शादी के कितने दिनों तक? दो चार साल बहुत हो गया, दो चार साल तो बहुत लंबा हो गया। पत्नी को पति के विषय में कब तक बात करने में अच्छा है? आज तक कुछ दियो मेरे को? तो ये सब डायलॉग बहुत कॉमन है, खाली मैं बोल रहा हूँ कि वहां भी वास्तविक प्रेम नहीं है, लेकिन भगवान के विषय में सुनने से। अभी आप लोग को आनंद आ रहा था, भगवान हम लोग वराह के विषय में श्रवण कर रहे थे, जान नहीं रहे थे आप लोग कथा, लेकिन सुना, फर्स्ट टाइम सुना ना, पर कितना आनंद आया बताओ, आया ना आनंद। अब वही भगवान को आप जाके जब वहां देखते हैं राधा कृष्ण को, तो आनंद आता है कि नहीं बताओ? हाँ, आप इस जगत के चेहरे को, कितनी भी सुंदर चेहरा हो, आप उसको बहुत देर तक नहीं देख सकते, लेकिन भगवान को बहुत लंबे समय तक देख सकते हो, बहुत लंबे समय तक देख सकते हो। एक वास्तविक घटना बताऊं, रामानुजाचार्य को आप सभी जानते होंगे, कुछ दिन पहले ही उनका आविर्भाव तिथि था। तो रामानुजाचार्य के एक शिष्य हुए, तो उनको बहुत वो ट्रेनिंग देते थे लेकिन वह सीखते नहीं थे। वो क्या करते थे, किसी स्त्री को देख लिए तो उसमें मोहित हो जाते थे। तो एक बार ऐसी कोई स्त्री आई पूजा करने के लिए, उनको देखा और देखते ही रह गए। अब रामानुजाचार्य उनके पास बोले, अरे क्या कर रहे हो? उनको डांटे, बोले देखो कितना सुंदर आंख है, मैंने आज तक कभी इतना सुंदर आंख नहीं देखा। ठीक है, तो रामानुजाचार्य बोलते हैं, अच्छा इससे सुंदर आंख दिखा दूंगा तो तुम छोड़ दोगे इसको? तुरंत तो भगवान श्री रंगनाथ जी के पास जाते हैं, उनको ले जाकर और कहते हैं, प्रभु आपसे निवेदन है कि कृपया अपनी सुंदर आंखों का दर्शन, अपने कमल जैसे सुंदर आंखों का दर्शन इसे करो। और उस व्यक्ति को भगवान ने अपना सुंदर आंखों का दर्शन कराया और फिर जीवन भर के लिए उसका आंख वहां से नहीं हटा।
स्त्री को देखेंगे, पुरुष को देखेंगे, दो मिनट, चार मिनट, दस मिनट, दस मिनट से ज्यादा देर देख सकते, हो गया, बहुत हो गया। लेकिन भगवान को अगर देख लिए तो देख ही लिए जीवन भर। ये हमारे वैलेंटाइन है वास्तव में। आपके तो सामने है, इतना सुंदर गांव है कि भगवान आकर के यहाँ विराजमान हो गए, क्या चीज। तो वास्तविक हमारे वैलेंटाइन कौन है? भगवान। तो जिनको दर्शन करने से क्या मिलता हो? सुख मिलता हो, वो कौन है? भगवान, है ना। और जगत में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको देख करके सुखी हो जाएंगे, आप उग जाएंगे, लेकिन भगवान को देख करके कभी कोई उगता नहीं है। तो दर्शन हो गया, अब देखिए दर्शन के बाद क्या आता है? स्पर्शन। भगवान को तो हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं, खाली पंडित जी को ही स्वभाव होता है कि वो भगवान का स्पर्श कर सके। भगवान को स्पर्श करने में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब फिर क्या है? श्रवणे, भगवान के विषय में सुनने से, भगवान के विषय में सुनने से आनंद आता है कि नहीं, बताइए। अभी आप लोग सुन रहे थे बरादे के विषय में, आनंद आया ना? और फर्स्ट टाइम सुना है ना, आनंद आ गया। तो भगवान को सुनने से भी बहुत आनंद आता है। और भाषणे अपि, बोलने से भी। अब पूछिए मुझे कितना आनंद आ रहा है बोलने में भगवान के विषय में, बहुत अद्भुत है ना? इतना आनंद का इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता आपको, है ना। और हमारे जैसे लाखों लोग हमारे इस्कॉन में बड़े बड़े कंपनीज को छोड़ करके ज्वाइन किए हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए छोड़ के ज्वाइन किए हैं। हमारे शिक्षा गुरु इस गृहशुभ कृष्ण प्रभु IITian आज 10-15 साल पहले ही उनको बहुत सुंदर नौकरी लगी थी NTPC में, उन्होंने छोड़ दिया और भगवान के विषय में बोल रहे हैं। आप सोचो भगवान के विषय में बोलने में क्या आनंद है, बताओ। IITian है जो हमारे बच्चे निकलने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उसको छोड़ करके भगवान के विषय में बोल रहे हैं। तो यह भगवान के विषय में बोलने की बहुत स्थिति है, बहुत 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 सुंदर। तो हमारा वैलेंटाइन वास्तव में कौन है? भगवान है। तो अपने पति पत्नी को, पत्नी पति को रोज देवे या ना देवे, लेकिन भगवान को जाकर के एक रोज जरूर कर दे देना, ठीक है। पता नहीं फिर हम लोग देंगे या नहीं देंगे, लेकिन भगवान को ले जाकर के कल एक रोज जरूर दे देना। आप जानते हैं एक रोज देने का भी, भगवान को एक फूल चढ़ाने का भी बहुत महत्व है। और भगवान ध्यान रखते हैं कि फलाने व्यक्ति ने मुझे 14 फरवरी को एक गुलाब दिया था अथवा एक कोई फ्लावर दिया, समझ रहे हैं। भगवान याद रखते हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए और भगवान की सेवा करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे वास्तविक क्या है? वैलेंटाइन है, प्रेमी वही है हमारे वास्तविक, और दूसरा कोई नहीं है। कोई नहीं है जी, लिख के ले लो, लिख के ले लो, कोई नहीं बता सकता आपसे, आपसे वास्तव प्रेम नहीं कोई कर सकता। अरे बच्चे को बोलो भी कीर्तन करूंगा तो नाचने का भी, बैठ के कथा सुनो, ओए बैठ जा। तो हमारा वास्तविक वैलेंटाइन भगवान है, वास्तविक प्रेमी कोई अगर है तो भगवान है। अब बताइए ना, हमसे कोई प्रेम करेगा तो कितना ज्यादा ज्यादा हम उसका आलिंगन कर सकते हैं, हमारा बच्चा रहे तो हम उसका आलिंगन कर सकते हैं, लेकिन भगवान से इतना प्रेम है कि भगवान हमारे हृदय के अंदर घुस करके बैठे हुए हैं, है ना। तुम्हारे वास्तविक प्रेमी अगर कोई है, वास्तविक वैलेंटाइन है, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं संसार में जो प्रेम कर सकते हैं हमसे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने सुंदर मंदिर बनाए हैं और भगवान से इस प्रकार से प्रेम है। लोग काफी जानते भी हैं कि भाई भगवान, भगवत प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। और हमने सर्वप्रथम ही आपको बताया कि जो भगवान की प्राप्ति, अभी प्रभु जी ने बताया कि कल जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। अब देखिए कलयुग कितना आसान है भगवत प्राप्ति करने के लिए। जो भगवान की प्राप्ति सतयुग में बहुत 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 दिनों तक तपस्या करने से प्राप्त होता था, मालूम है करोड़ों साल तक, 36,800 साल तक तपस्या किया था हिरण्यकश्यप, तब उसको ब्रह्मा जी प्राप्त हुए, भगवान नहीं। भगवान के लिए सोचो कितना दिन तपस्या करना पड़ेगा, है ना। वो भगवान को प्राप्त करने के लिए द्वापर युग में क्या हुआ? हजारों साल तक, सॉरी क्षमा चाहूंगा, त्रेता युग में हजारों हजारों यज्ञ करने पड़ते थे, हजारों यज्ञ तब जाकर प्राप्त होते थे। द्वापर युग में उसी भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे दान देने पड़ते थे, तब जाकर के भगवान प्राप्त होते थे। और कलयुग में क्या है, वही भगवान कैसे प्राप्त हो जाएंगे हमें?
केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, और कुछ भी मत करो जी, कुछ भी मत करो, भगवान प्राप्त हो जाएंगे, लिख के ले लो, कोई नहीं काट सकता। क्या आवाज है कि मेरे को भी क्रॉस कर जाता है, अद्भुत। आवाज नहीं करो बेटा, है ना। तो शिवम, क्या शिवम है वहां पे, अद्भुत। अरे तो बहुत शांत है, इधर आके बैठो और कथा भी सुनता है शिवम। इधर आके कथा सुनो, आप आवाज मत करो वहां से। तो हमारे वास्तविक वैलेंटाइन कौन है, भगवान है ना। और उनको क्या करना चाहिए, हमें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, है ना। उसके लिए बहुत ज्यादा परिश्रम भी नहीं करना चाहिए, करना है केवल और केवल, कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप करेगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि भगवान का नाम जप करें। देखिए, ये तो बहुत सुंदर प्रश्न किए प्रभु जी ने, हमें कम से कम 16 माला जप करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का। कितना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से 16 माला जप करना चाहिए। मतलब एक माला होता है कितना, 108 मोती का, इस प्रकार से 16 राउंड इसमें करना चाहिए। 1600 और 16 × 8 कर दीजिए, उतना करने में 2 घंटा लगता है, करना चाहिए। बोलेंगे गुरु जी ऐसा क्यों, यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, पता होगा कि भाई एक दिन में व्यक्ति कितना बार सांस लेता है, 28-25 to 30,000 नियर बाय, 25 से 28,000-27,000 कुछ, कोई मोटा व्यक्ति रहे तो 28,000, नहीं तो 25-26,000। इसी प्रकार जब हम 16 माला इस माला में करते हैं तो क्या हो जाता है, भगवान का नाम 28,000 बार लिया जाता है, कितना बार, 28,000। इस प्रकार से हमारे एक एक सांस पर भगवान का नाम हो जाता है। अब बताइए, एक एक सांस पर अगर भगवान का नाम हो गया तो हमें भगवत प्राप्ति से कौन रोक लेगा, कोई रोक लेगा, है किसी की हिम्मत, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जरूर जप करिए। अगर आपके पास माला नहीं हो तो आप मुझसे माला ले सकते हैं, और यह माला घबराइए मत, यह तुलसी या फिर रुद्राक्ष की माला नहीं है कि प्रभु जी हम लोग मांसाहार करते हैं, शराब खाते पीते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, क्या आप भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत ही नॉर्मल माला है, आप उस पर करिए, और इससे कोई दीक्षा नहीं होती आपकी, ठीक है। और कोई नियम भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सवेरे 4 बजे उठ करके ही ठंडा पानी में नहाना पड़ेगा, माथा नीचे पांव ऊपर करके जप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कुछ, जैसे है आप कर सकते हैं, बैठ करके, सो करके, खा करके, बिना खा करके, चलते हुए, नहा करके, बिना नहा करके, जैसी इच्छा करे जप कर लीजिए। मुख्य भगवान का नाम जिह्वा पर आवे, कथम मतलब किसी भी प्रकार से हमारी जिह्वा को भगवान का नाम क्या करे, स्पर्श करे, तो हमारा उद्धार हो जाएगा, है ना। तो हमें जरूर भगवान का नाम जप करना चाहिए, आप सब भी जप करिए। और इस प्रकार से जो हमारे ओरिजिनल वैलेंटाइन है, ओरिजिनल प्रेमी है कौन, कृष्ण, वह क्या हो जाएंगे, हमें प्राप्त हो जाएंगे। कैसे, इस संसार में बहुत लोगों को प्रेम प्राप्त होता है, लेकिन जैसा प्रेम अहिल्या देवी को प्राप्त हुआ वैसा प्रेम प्राप्त हो जाएगा, जैसा प्रेम कौशल्या देवी को प्राप्त हुआ वैसा प्रेम प्राप्त हो जाएगा, जैसे नंद और यशोदा को प्राप्त हुआ वैसा प्रेम प्राप्त हो जाएगा। कौशल्या गाती है ना, प्रेम मतलब क्या, पुलक शरीर, शरीर पुलकित होने लगे, वाणी गदगद होने लगे, उसको प्रेम कहा जाता है। आप लोग सब जानते हैं, आपको सुना ही रहे राम कथा, कि भगवान श्री रामचंद्र जब विवाह करने के क्रम में जा रहे थे तो गंगा नदी के तट पर बहुत सुंदर आश्रम देखा, लेकिन उस आश्रम में क्या देखा, एक स्त्री जो पत्थर की बनी हुई थी। बोले अरे ऐसा कैसे, तो फिर विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र को कथा सुनाए और क्या कहे कि विश्वामित्र, राम जाओ और यह अहिल्या क्या कर रही है, तुम्हारी राह देख रही है, कृपया जाओ और इसका उद्धार कर दो, है ना, तुम जाओ। देखिए कैसे प्रेम, कैसे वैलेंटाइन प्राप्त होता है देवी अहिल्या को, देखिए बहुत अद्भुत स्तुति है, बहुत मेरी मतलब फेवरेट स्तुति है, बहुत सुंदर। क्या कहते हैं, राम जाओ और देवी अहिल्या का उद्धार करो, तब तब कब से तुम्हारी राह देख रही है,
भगवान श्री रामचंद्र कथा श्रवण करने के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के धीरे 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 करके अपने चरण को ऊपर उठाते हैं। और जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र के चरण के रज, रज मतलब समझते हैं ना क्या होता है, किसको बोलते हैं रज, धूली। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र के चरण के धूली जैसे ही उस पत्थर के ऊपर स्पर्श हुई, जैसे ही गिरा भगवान के चरण, जैसे ही उस पत्थर को स्पर्श हुआ प्रकाश पुंज उत्पन्न हो गया, पत्थर से एक दिव्य नारी प्रकट हो गई। और क्या गाती है मालूम, परासत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुंज सही परसत पद। सभी लोग आइए, आप लोग तो जानते होंगे रामायण का बहुत प्रसिद्ध द्वार। श्राप से मुक्त हो गए, अहिल्या के शरीर से तेज निकल रहे। आज के माताओं के लिए शिक्षा, अक्सर माता जी लोग जाके ब्यूटी पार्लर में बैठती हैं और तीन तीन चार चार घंटे सस्ती है, क्योंकि शरीर का कुछ तेज बढ़े और वहां से निकलती है तो भले उतना जैसे लगती है वो अलग बात है, बातें बोलूंगा। लेकिन वास्तव में अपना तेज बढ़ाना चाहते हो, वास्तव में अगर आप अपना तेज बढ़ाना चाहते हो, ये माता हूं थोड़ा तेज आता है लेकिन ब्यूटी पार्लर का तेज कितना देर का होता है, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, अधिक से अधिक एक दिन। लेकिन अगर वास्तव में अपना तेज बढ़ाना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करिए, भगवान का चरण रज स्पर्श हो गया, भगवान मिल गए ना, तो ऐसा तेज बढ़ेगा कि फिर कभी नहीं बढ़ेगा। देखिए देवी अहिल्या का तेज बढ़ा, क्या कहते हैं, परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही परसत पद। भगवान की भक्ति का जो तेज है ना वो एक साल नहीं, वचन नहीं मिल रहे, क्या कहूं भगवान को, क्या कहूं भगवान को, कुछ वचन नहीं मिल रहे, इतना प्रेम। सोच रहे हैं कि भगवान के विषय में कुछ स्तुति करूं, भगवान की स्तुति करूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, ये प्रेम होता है। आपको
कभी कभी आभास होता होगा कि कोई हमारा बहुत प्रेमी मिल जाए तो हम क्या बोलना चाहते हैं और बोलते कुछ और है। बोलना समोसा है, निकलता पकौड़ा है, कुछ भी निकल जाता। ये स्थिति होती, ये है प्रेम वास्तविक। आज पत्थर से नारी बननी है विद्या देवी और वाणी गदगद हो गला भरा, ये है प्रेम। हमारे वैष्णव आचार्यों ने भी मांगा क्या, गौरांग बोलिते होवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते वही में नयन हीरा। गौरांग हे प्रभु कब ऐसा दिन आएगा कब कि मैं गौरांग नाम लूंगा, हरे कृष्ण बोलूंगा और मेरा शरीर पुलकित हो जाएगी, मेरे आंखों से प्रेम अश्रु की धारा बह जाएगी, कब ऐसा दिन आएगा। अति सय बड़ी अश्रु की धारा बह रही और अति निर्मल वाणी है, अति निर्मल पानी अश्रु की धानी, अति निर्मल पानी अश्रु की धानी, ज्ञान कम जय रघुराई, राजीव विलोचन भव भय मोचन पै पाई शरण। लोचन का अर्थ होता है आंख, राजीव मतलब कमल। राजीव लोचन कमल के समान सुंदर आंख वाले प्रभु, हे कमल लोचन, हे कमल के समान सुंदर, कमल कोमल सुगंधित अंग वाले भगवान, हे राम आज मैं धन्य हो गई, प्रभु आज मैं धन्य हो गई आपका दर्शन, आपके चरण के रस। सच कहूं प्रभु, सच कहूं तो इसके पीछे एकमात्र कारण क्या था, क्या कारण था, गौतम ऋषि का श्राप। अगर उस साधु ने यदि मुझे श्राप नहीं दिया होता तो आज मुझे आपकी कृपा नहीं मिलती प्रभु, आज मुझे आपकी कृपा नहीं मिलती। कई बार कोई गुरुजन हमारे बुजुर्ग हमें डांटते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, ये बूढ़ा बहुत ज्यादा बोलता है, ऐसा बोल देते हैं, अरे फलाने बाबा को कुछ आता नहीं, कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, बड़ा बुरा लगता है। लेकिन ध्यान रखिए, शास्त्र का सिद्धांत है कि जब कोई साधु कोई महात्मा हमें डांटे, कोई बुजुर्ग डांटे, तो वो डांट हमारे भलाई के लिए। शास्त्र का अकाट सिद्धांत, उनका अनुग्रह उनका वरदान हमें मिलता है। क्या कहते हैं, मुनि साप जो दीना अति बल कीना, मुनि साप अति बल कीना, परमा तो ब्रह्म माना, देखो भरी लोचन हरि भव भोचन, यही लाभ शंकर जाना, देखो भरी लोचन हरि भव भोचन, यही
अहिल्या कहती है मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया बहुत अच्छा किया प्रभु। गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया मुझ पर क्रोध किया बहुत अच्छा किया, अगर उन्होंने मुझे वो मुझे श्राप नहीं देते तो लाखों लाख वर्षों तक ध्यान करने पर भी, हजारों यज्ञ करने पर भी, तपस्या करने पर भी आपकी ना प्राप्ति होती है प्रभु, तो मुझे क्या प्राप्त होती बताओ। आज मुझे प्राप्त हुआ किस कारण से? केवल केवल उस ऋषि के श्राप। भगवान ने कहा अहिल्या अब देखिए भगवान का वरदान, ये तो स्तुति दो लाइन की, अब भगवान का वरदान कहते अहिल्या क्या चाहिए मांगो, अरे परम प्रसन्न जो चाहो मांग लो, गाड़ी बंगला क्या चाहिए, अमेरिका जाना है, जेट प्राइवेट जेट चाहिए, क्या चाहिए बोलो, जो चाहिए मिलेगा, सुंदर रूप चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, किसी देश का राजा बनना है बताओ क्या चाहिए, छोड़ो देश छोड़ो, किसी ब्रह्मांड का राजा बनना है, ब्रह्मा जी बनना है, क्या चाहिए मांगो, जो चीज तुम मांग लो। हमारे सामने भगवान प्रकट होके मां बोले तो हम क्या बोलेंगे, प्रभु एक गाड़ी, एक BMW, दो मर्सिडीज, और वो बॉम्बे है ना, बॉम्बे में ताज होटल है ना, उसके टॉप फ्लोर में सबसे बड़ा वाला फ्लैट है, एक तुच्छ तुच्छ मांगे मांगते, देखिए क्या मांग रही है, मांग किसको कहता है, सुनिए हम लोग प्रार्थना भी करते तो बस यही क्या, ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति मेरे घर आवे, बाजू वाले के घर नहीं जाए प्रभु, ध्यान रखिएगा बाजू वाले घर नहीं जाए तो बड़ा तकलीफ हो जाए। एक व्यक्ति पे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बोले जो चाहिए सो मांगो, व्यक्ति मांगने ही जा रहा था तब तक भोलेनाथ बोले रुको 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 रुको, ध्यान रखना तुम जो मांगोगे उसका डबल तुम्हारे बाजू वाले को मिलेगा। ये सोचने लगा यार तपस्या मैंने किया मेहनत मेरी फल डबल बाजू वाले, बहुत सोचा बहुत सोचा, बोला प्रभु क्या मांगू क्या मांगू, बहुत सोचा, सोचने के बाद क्या कहते हैं मालूम, बोले ना मेरी एक आग फोड़ दो बाजू वाले की दोनों आग फूट जाएगी। ये है कलयुग के जीवों की स्थिति, क्या मांगेंगे, मांगना है तो सुनिए देवी अहिल्या क्या कहती है, हम मांगते हैं हमारी मांग पूरी भी हो जाए, स्मार्टफोन चाहिए स्मार्टफोन ले लेते हैं, फिर दो साल के बाद दूसरा चाहिए, लैपटॉप चाहिए पांच साल के बाद दूसरा, कैमरा चाहिए पांच साल के बाद दूसरा, हमारी इच्छा पूरी हो भी जाती है तो हम मांगना छोड़ते नहीं है, देखिए क्या मांगना चाहिए, क्या कहते हैं, पद कमल पराका रसाधुरा का, पद कमल पराका रसाधुरा मन मधु पकड़े पाना, जे पद सुर सहिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश रहे, जे पद सुर सहिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश रहे। प्रभु आपको देना है, कहती है प्रभु अगर आपको देना ही है तो आप वरदान दीजिए, आप कृपा करिए कि मेरा ये मन रूपी भौरा, मेरा ये मन रूपी भौरा मेरे मन से उड़े और आपके चरण रूपी कमल के पराग में जाकर विराजे, जैसे भौरा कहीं दूर होता है लेकिन कमल के पराग में आ सकता, संध्या के समय भौरा जानता है संध्या हो रहा है, अभी अगर मैं नहीं निकला तो यह कमल बंद हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा, लेकिन भौरा अपने प्राण को त्याग देता है कमल के पराग को नहीं त्यागता, प्रभु वैसे ही, प्रभु वैसे ही मेरा मन सदा सदा के लिए निरंतर आपके चरणों में लगा रहे, ऐसा वरदान, ये वरदान। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सभी लोग माता जी लोग खड़े हो जाइए और नृत्य करते रहिए। देखिए मैं एक आपको बात बताता हूँ कि अगर आप भागवत के सामने नाचेंगे, अगर आप भगवान के सामने नाचेंगे तो कभी जीवन में माया के सामने नहीं नाचना पड़ेगा। अगर भगवान के सामने नहीं नाचेंगे तो माया के सामने नाचना ही पड़ेगा। हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम सीता राम तुम्हारी जय जय हो 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 सीता राम तुम्हारी अवधेश तुम्हारी जय जय हो 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 बलहार कृष्णा हरे कृष्णा इससे अच्छा तो आप लोग बैठे हुए थे, इससे क्या फायदा झूमते हुए। अभी मैं आपको बात बताऊं, सुनो, चैतन्य महाप्रभु के साथ जब यह हरिनाम संकीर्तन हो रहा था तो कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी सियार सिंह सब नाच रहे थे, सारे जानवर नाच रहे थे। अब वही हरिनाम संकीर्तन हो रहा है तो क्या मनुष्य उनसे भी गए गुजरे हैं?
क्या हमारी स्थिति उनसे भी गई गुजरी, हमें नहीं नाचना है, नाचना है, नाचना है तो दो मिनट कीर्तन करूंगा अन्यथा बंद कर दूंगा। कीर्तन नाचना है, कितने लोगों को नाचना है हाथ उठाइए। अरे माता जी लोग तो शादियों में बहुत उछलती है, पर भगवान के सामने शर्म, भगवान के सामने शर्म, माया के सामने करो, यहाँ पर नाचो। आप लोग भी वहां नृत्य करिए भगवान के लिए। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आप लोग टीम डांस नहीं आता है, टीम में डांस करने के लिए सर्कल बना बना कर माता जी लोग इधर बनाएंगे, प्रभु जी लोग उधर बनाएंगे। नीतू माता जी कहाँ है? नीतू माता जी नहीं है, घर में गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ठीक है, हमारे भक्त गए हैं, वो आपको सिखाएंगे कैसे नाचना चाहिए। सभी लोग टीम बनाइए ऐसे, बुजुर्ग लोगों को भी लीजिए, ऐसा नहीं खड़ी यंगस्टर्स। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा। सभी लोग ऐसी ऐसी टीम बनाइए माता जी लोग को, चलिए बनाइए, बहुत आनंद आएगा। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे
मन गोविंदा। शकियन में राधा जी बड़ी है, शकियन में राधा जी बड़ी है, शकियन में राधा जी बड़ी है, शकियन में राधा जी बड़ी है। जैसे जैसे तारों में चंदा जरे मन को हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, और जब हम खड़े होकर कीर्तन करते हैं भगवान हमारे सामने नाचने लगते हैं, और जब हम नाचते नाचते भगवान का कीर्तन करते हैं तो भगवान उछल करके हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए सब लोग नाचते हुए भगवान का नाम कीर्तन करिए। देवन में कृष्ण बड़े देवन में बड़े सब देवन में कृष्ण बड़े देवन में बड़े जैसे तारों में चंदा बजोरे मन को हरे कृष्ण
धर्मराज हरि नाम संकीर्तन जय जय ठीक है। अब आरती करेंगे और फिर आज की कथा महाराज भी स्वामी जी जो आए हैं आपके विराजमान हैं तो कथा करेंगे। आरती हम लोग भागवत जी की गाएंगे और फिर आज वरादेव का भी इस गांव में प्राकट्य हुआ तो भगवान वरादेव की भी स्तुति करेंगे और बन पड़ेंगे। आरती अति पावन पुराण की आरती प्रिय सुजान की आरती अति पावन
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री राधा कृष्ण की जय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय श्री रामचंद्र की जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर निताय गोपमानंदे हरि हरि जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरे कृष्ण।